नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में है छोटा वाला इलेक्ट्रिकल ड्रिल, जिसकी मदद से हम हमारा जो भी छोटा ड्रिलिंग का काम होता है वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में जो भी हमारा स्क्रू और जो रिपेयरिंग का जो काम है वो कर सकते हैं। देखिए ये कैसा हमारे को यूज़ होता है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खोल कर देखने का प्रयास करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से आता है और इसके ऊपर खाली ये जो ड्रिल है, इस ड्रिल का फोटो दिया हुआ था। आपने बहुत से जगह वर्करों को देखा होगा इस तरह का ड्रिल यूज़ करते हुए। ये हमारा इस तरह का ड्रिल है, ये इसका मेंस कॉर्ड है। इस कॉर्ड वायर काफ़ी हेवी मजबूत कॉर्ड वायर है, उसको देखकर ये लगता है कि काफ़ी पावर भी लेता होगा ये ड्रिल। और ये जो स्विच है, इसमें जो डंडी वाला स्विच है, ये रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, ये खाली ऑन ऑफ का स्विच है। और इसी के साथ में ये वाला जो गोल स्विच दिया हुआ है, इस स्विच की मदद से हम इसका जो स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में एक और फीचर दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 तक ऐसे यूज कर सकते हैं, 7, 8 तक हैं। तो ये हमारे को एक पावर कम और ज़्यादा, जैसे कि हम एम्पियर के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे को जो सामने जो यहाँ पर जो भी हम लगाएंगे पाना वगैरह है, तो उसका जो एम्पियर है मतलब उसको कितनी ताकत देनी है, उस हिसाब से हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि उसको कम ताकत दी होगी और हम यहाँ से स्विच पुश करेंगे तो वो अंदर से ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएगा। उसकी जितनी भी ताकत है वो पूरी होने के बाद में ऑटोमेटिक अंदर से स्लिप हो जाएगा। ये हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड है और ये मैं बोर्ड से आपको चेक कर देता हूँ इस ड्रिल को चला के। तो और रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ घूमती है, और इसका स्पीड हम कम करके चेक कर लेते हैं। ये कम स्पीड में घूम रही है, और इसको किसी भी आइटम को खोलने और फिट करने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो वो कैसे करना है। नॉर्मल हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है उसको इस तरह से निकाल लेना, और इसके अंदर से हमारा स्क्रू ड्राइवर का जो नीचे वाला जो है हिस्सा, उसको हम इसमें डाल लेंगे और हम फिट कर लेंगे। अब आप इसको चाहिए अगर चाहते हैं तो यहाँ से कटिंग करके भी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा स्क्रू ड्राइवर है, इतना लंबा हमारे को यूज में मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन ये मेरे पास यही था तो मैंने इसी से आपको चेक कराने की सोची। तो ये आराम से अभी स्क्रू घूमने लग गए हैं। अभी मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जो कि आपको अपने कहीं पे भी इस तरह के बोर्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक वर्कर हैं तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ी होगी इस तरह के बोर्ड खोलने की। तो अभी मैं इसका जो ये वाला स्क्रू है इसको खोल कर देखता हूँ। तो ये बहुत ही आराम से और एकदम शांति से ये चलता है, और इसको आराम से खोल दिया इसने। अभी मैं दूसरा जो स्क्रू है उसको खोलने का प्रयास करता हूँ। तो बस इजीली बहुत ही आराम से आसानी से इसने खोल दिया है। और वैसे ये बोर्ड ऐसे नीचे रख कर खोलना होता है, लेकिन मैंने आपको खड़ा कर इसको खोलने का प्रयास किया। अभी मैं इसको वापस फिट करके देख लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से इसको भी उसको मना रह गया। अभी मैं इसको, ये आसानी से फिट हो गया, और फिर मैं दूसरा स्क्रू इसमें फिट कर देता हूँ। ये हवाला हमारा दूसरा स्क्रू है जो कि इसमें लगाना है। ये हमारा जो दूसरा स्क्रू है वो भी कम्प्लीटली फिट हो गया। ये एकदम बेस्ट काम कर रही है ये वाली ड्रिल, और बहुत ही अच्छी आइटम है ये, आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो हमारा काम है, जैसे कि हमारे को जो घंटे का काम है वो हमारा, जैसे कि आपको ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 10-20 मिनट मतलब आधा घंटा तो हो ही जाएगा। अगर इसी स्क्रू को हम हाथ से फिट करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और मशीन सेट किया तो वो जल्दी हो गया। तो इस प्रकार का अगर आपका काम है तो आपको इस तरह की ड्रिल ज़रूर लेनी चाहिए। और ये वाली छोटी ड्रिल, जो कि आपको नॉर्मली अगर शुरुआत में आप काम चालू किया है और अपना छोटा इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी ये ड्रिल रहने वाली है, क्योंकि आप इसी के साथ साथ दूसरा भी जो ड्रिल वाला काम रहेगा उसको भी आप कर सकते हैं। और अभी लास्ट में मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ। ये जो ड्रिल है ये अपना मेरे को 1200 रुपये का आया है। इसके साथ में और कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है।
और दूसरा जो भी अपने को हार्डवेयर जो लगेगा, यानी कि जो इसके ऊपर लगने वाला पाना है या फिर हमारा स्क्रू ड्राइवर का टूल्स है, तो वो हमारे को अलग से लेना रहेगा। लेकिन ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी ड्रिल है, आज ही मंगवाया है मैंने इसको, और अभी मैं इसको यूज़ करूँगा और बाद में आपको फिर से बताऊँगा कि ये कैसी चल रही है। मैं यहाँ पर डेली, हमारे यहाँ पर बोर्ड बनते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल के बोर्ड जो होते हैं, उनका बहुत यूज़ होता है हमारे को, तो रोज़ डेली हमारे को 10-12 बोर्ड बनाने होते हैं, तो इनके लिए मैंने स्पेशल मंगवाया है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड अगर कोई काम है तो आप ज़रूर इस प्रकार की ड्रिल ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम बचेगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।